दोस्तों आज मैं आपको इंडियन टू व्हीलर मार्केट का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर 110 सीसी यूनिसेक्स स्कूटर टीवीएस जुपिटर स्टैंडर्ड मॉडल का और एक कलर वेरिएंट दिखाने वाला हूं। आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि इस वीडियो में आपको टीवीएस जुपिटर स्टैंडर्ड मॉडल की प्राइस, माइलेज, स्पेसिफिकेशन के साथ साथ ये भी पता चलेगा कि इस स्कूटर का नया फीचर्स और चेंजेस के बारे में। हेलो एंड वेलकम बैक टू द बाइकर्स डायरी यूट्यूब चैनल और मैं हूं अमित। आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल की और एक नई वीडियो में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर दी बाइकर्स डायरी फैमिली से जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम आईडी एंड फेसबुक पेज का लिंक मिलेगा। आप मुझसे कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो उसमें मैसेज कर सकते हैं। प्राइसिंग की बात करें तो आज की डेट में इस स्कूटर की एक शोरूम प्राइस कोलकाता है 66,288 रुपीज। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ शुभ ऑटो हावड़ा में। अगर आप हावड़ा या फिर कोलकाता से हैं तो इस स्कूटर की ऑन रोड प्राइस एंड फाइनेंस स्कीम जानने के लिए डिस्क्रिप्शन पे दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए। सबसे पहले तो बात करते हैं टेक्निकल स्पेसिफिकेशन को लेकर। 2020 टीवीएस जुपिटर स्टैंडर्ड मॉडल BS6 कंप्लायंट 109.7 सीसी फ्यूल इंजेक्टेड सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड CVTI इंजन के साथ आ रहा है जो 7500 आरपीएम में मैक्सिमम 5.5 किलोवाट और 7.37 BHP पावर एंड 5500 आरपीएम में मैक्सिमम 8.4 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोवाइड करेगा। माइलेज की बात करें तो टीवीएस मोटर्स का कहना है कि पहले से 15% माइलेज इंप्रूव होगा इस BS6 वेरिएंट में। उनका ये भी कहना है कि अभी ये स्कूटर 50 kmpl से ज्यादा माइलेज प्रोवाइड करेगा। चलिए अब बात करते हैं इस स्कूटर का ब्रेकिंग सिस्टम को लेकर। ये स्कूटर सिर्फ ड्रम ब्रेक के साथ ही अवेलेबल होगा। डिस्क वेरिएंट आपको इस मॉडल में नहीं मिलेगा। इस स्कूटर का फ्रंट एंड रियर दोनों व्हील्स में ही 130 mm का ड्रम ब्रेक आपको मिलेगा। इस स्कूटर में सिंक्रोनाइज्ड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है। सिंक्रोनाइज्ड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसके चलते रियर ब्रेक दबाने से फ्रंट ब्रेक भी पार्शियली दब जाएगा और उसके वजह से स्कूटर का ब्रेकिंग पावर एंड स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। फ्रेम एंड सस्पेंशन की बात करें तो दोस्तों इस स्कूटर में हाई रिजिडिटी अंडरबोन टाइप चेसिस का यूज हुआ है। इस स्कूटर का फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन यहाँ पे आपको मिलेगा। लेटेस्ट सेफ्टी नॉर्म्स के चलते जो ईएलओ रिफ्लेक्टर दिया जाना मैंडेटरी है वो इस स्कूटर का फ्रंट सस्पेंशन की साइड में यहाँ पे देखने को मिलेगा। रियर सस्पेंशन की तरफ देखें तो दोस्तों इस स्कूटर का रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन मिलेगा। दोस्तों इस स्कूटर का ग्राउंड क्लियरेंस है 150 mm, सीट हाइट है 765 mm, इस स्कूटर का कार्ब वेट है 109 kg एंड व्हील बेस है 1275 mm। ओवरऑल लुक्स की बात करें तो दोस्तों अभी आप स्कूटर का वॉलनट ब्राउन कलर को देख रहे हैं। पेंट क्वालिटी में टीवीएस ने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और एक बेहतरीन क्वालिटी का पेंट स्कूटर में आपको मिल जाएगा। हेडलाइट के ऊपर यहाँ पे टीवीएस बैजिंग देखने को मिलेगा। इस स्कूटर में फुल्ली LED हेडलाइट आपको मिलेगा। यहाँ पे 3D क्रोम कलर में टीवीएस ब्रांडिंग किया गया है। फ्रंट इंडिकेटर की बात करें तो दोस्तों इस स्कूटर का फ्रंट इंडिकेटर बॉडी के साथ ही इंटीग्रेटेड है और ये दोनों इंडिकेटर ही बल्ब टाइप है। फ्रंट मडगार्ड की तरफ देखें तो इस स्कूटर में मेटल मडगार्ड यहाँ पे दिया गया है। रियर साइड काउल पे क्रोम कलर में 3D जुपिटर ब्रांडिंग मिलेगा। टेल लाइट की तरफ देखें तो दोस्तों फुल्ली LED टेल लाइट यहाँ पे आपको मिलेगा और रियर साइड का जो इंडिकेटर है वो बॉडी के साथ ही इंटीग्रेटेड है। दोस्तों स्कूटर में वेल कुशन्ड व्हाइट सीट दिया गया है। आप देख सकते हैं कि ये सीट बहुत ही सॉफ्ट है। रियर में मेटल पिलियन ग्रैबर भी यहाँ पे आपको मिलेगा। बूट स्पेस की बात करें तो इस स्कूटर में 22 लीटर कैपेसिटी वाला बूट स्पेस मिलेगा और यहाँ पे OBD पोर्ट भी आप देख पाएंगे। इस स्कूटर का फ्यूल फिलिंग कैप सीट के बाहर ही मिलेगा और इसमें TVS बैजिंग देखने को मिलेगा। इस स्कूटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी 6.6 लीटर है। इंटीरियर्स की तरफ देखें तो मैट फिनिश इंटीरियर स्कूटर में देखने को मिलेगा। इस इंटीरियर की राइट साइड में इग्निशन की दिया गया है। मिडिल में यहाँ पे एक हुक मिलेगा जिसमें आप बैग वगैरह टांग के ले जा सकते हैं। यहाँ पे एक बकेट भी दिया गया है जिसमें आप मोबाइल या फिर छोटे मोटे सामान कैरी कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ देखें तो दोस्तों स्कूटर में फुल्ली एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा। इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में स्पीडोमीटर, ओडोमीटर एंड फ्यूल स्टेटस दिया गया है और इसके साथ साथ लो फ्यूल इंडिकेटर, हाई बीम इंडिकेटर, टर्न लाइट इंडिकेटर, इंजन मैलफंक्शन इंडिकेटर, इको इंडिकेटर एंड पावर इंडिकेटर भी मिल जाएगा।
स्विच कंसोल की तरफ देखें तो डिसेंट क्वालिटी का स्विच कंसोल यहाँ पे दिया गया है। लेफ्ट साइड में पास बीम, हाई लो बीम, इंडिकेटर एंड हॉर्न स्विच मिलेगा और राइट साइड में इलेक्ट्रिक स्टार्ट स्विच दिया गया है। लेग स्पेस की बात करें तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस स्कूटर का लेग स्पेस काफी बड़ा है। मेरा पैर होने के बावजूद भी काफी स्पेस यहाँ पे अभी भी है। व्हील्स एंड टायर्स की तरफ देखें तो दोस्तों इस स्कूटर का फ्रंट एंड रियर दोनों व्हील्स में ही 90x90 साइज का ट्यूबलेस टायर मिलेगा और इस स्कूटर में 12 इंच डायमीटर वाला अलॉय व्हील रिम का यूज हुआ है। तो दोस्तों ये था TVS जुपिटर स्टैंडर्ड मॉडल का डिटेल्ड वॉकअराउंड रिव्यू। आपको ये स्कूटर कैसा लगा? इस स्कूटर के बारे में आपका ओपिनियन क्या है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, राइड सेफ, जय हिंद, चाओ।